फौजी द्वारा आठवीं में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा के साथ बार बार दुष्कर्म किए जाने के मामले पर आज हमीरपुर अदालत ने फैसला सुनाया है। फैसले में अदालत ने आरोपी 30 वर्षीय फौजी निवासी लद्रौर भोरंज अरुण कुमार को 10 साल की कठोर सजा के साथ साथ 10,000 रूपये का जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि अन्य चार धाराओं में 341, 363, 228 व 506 आईपीसी के तहत भी अलग अलग सजाएं सुनाई गई हैं। बता दें कि वर्ष 2016 में आरोपी फौजी गांव की नाबालिग लड़की के साथ जब भी छुट्टी पर आता था तो अश्लील हरकतें करता था, लेकिन बार बार फौजी ने लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ रिवाल्सर ले गया और वहां पर कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवाई पिलाकर दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद आरोपी फौजी अरुण ने लड़की की अश्लील फोटो भी खींची और दुष्कर्म की बात किसी को बताने पर धमकी दी कि इंटरनेट पर फोटो अपलोड कर देगा, जिस पर लड़की डर गई। बाद में कुछ दिनों बाद फिर से फौजी घर पर छुट्टी आया तो दोबारा से लड़की को अपने साथ डरा धमका कर रिवाल्सर ले गया और वहां पर दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद लड़की के साथ मारपीट भी की, जिस पर लड़की ने हिम्मत बांधते हुए घर आकर सारी बात परिजनों को बताई और पुलिस में मामला दर्ज करवाया। करीब 1.5 साल चले केस पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पदम सिंह की अदालत में फैसला सुनाया गया है। जिला न्यायवादी हमीरपुर सीएस भाटिया ने बताया कि आरोपी फौजी अरुण कुमार सुपुत्र धर्म सिंह निवासी लद्रौर विवाहित है और जब भी छुट्टी पर आता था तो लड़की के साथ दुष्कर्म करता था। उन्होंने बताया कि मामले पर अदालत ने फैसला सुनाते हुए आज आरोपी अरुण कुमार को 10 साल की कठोर सजा सुनाई है। पदम सिंह ठाकुर की अदालत ने आज एक अहम फैसला करते हुए दोषी अरुण कुमार सन ऑफ धर्म सिंह गांव बदरौड़ी डाकखाना लदरौर जिला हमीरपुर को धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त धारा 341, 323, 363, 328, 506 आईपीसी के तहत भी दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। 30/4/16 को विक्टिम जो हमीरपुर के ही किसी गांव की रहने वाली है ने अपनी माता के साथ जाकर थाना भोरंज में एक दरखास्त अपना बयान दर्ज करवाया, जिसमें उसने बताया कि दोषी जो कि फौज में तैनात था, जब भी वो छुट्टी आता था तो इस लड़की के साथ छोटी मोटी हरकतें करता था और ये हरकतें वह तब से कर रहा था जब से वर्ष 2014 में वो लड़की 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। दिनांक 26/2/14 को ये लड़का गाड़ी नंबर JK02AH0257 में आया और इसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाकर रिवाल्सर में किसी निजी होटल में ले गया। वहां पर खाना खिलाने के बाद उसने इस लड़की को कोल्ड ड्रिंक में कोई नशीला पदार्थ पिलाया तथा उस नशीले पदार्थ में लड़की ने होश खो दी और इस दोषी ने उसके साथ बलात्कार किया। जब लड़की को 2-3 घंटे बाद होश आया तो उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे तथा जब लड़की दोषी ने उसे धमकी दी कि आपके कुछ अश्लील फोटो उसने खींचे हैं जो वह अगर किसी को वह बताती है तो वह इंटरनेट पर अपलोड कर देगा। लड़की डर के मारे चुप रही, लेकिन 28/10/15 को दूसरी बार फिर उन्हीं फोटोग्राफ्स का डर दिखाकर ये दोषी उस लड़की को अपनी गाड़ी में बिठाकर पुनः उसी होटल में रिवाल्सर ले गया। रिवाल्सर में पुनः उसके साथ गलत काम किया। जब 11/3/16 को दोषी ने फिर इस लड़की को वही धमकी दी और साथ चलने को कहा, जिस पर लड़की ने मना कर दिया। फिर दोषी ने उसके साथ मारपीट कर